नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा। और दोस्तों, आज फिर से आपके लिए आपके काम की एक और वीडियो के साथ दोबारा से आज आए हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि कई कस्टमर के और हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमने अभी मोबाइल रिचार्ज कराया है, और रिचार्ज कराने के बाद जो डाटा डेली रूटीन का डाटा मिलता है वो 2 GB मिलता है, या किसी को 1 GB मिलता है। तो उनकी ये कंप्लेंट होती है कि हमारा डाटा विद इन ए मिनट या 5 मिनट में सारा का सारा डाटा ख़त्म हो जाता है मोबाइल का, और हम पूरा दिन काम नहीं कर पाते क्योंकि मोबाइल डाटा ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल डाटा या अपने इंटरनेट के डाटा को किस तरह से सेव कर सकते हैं, ताकि जो डाटा आपका बिना बात के यूज़ हो रहा है उस डाटा को कैसे आप रोक सकते हैं। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो भी वो टाइम टू टाइम देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज सबसे पहले हम बताएंगे विंडोज 7 के अंदर कि आपका अगर डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उस डाटा को आप कैसे बचा सकते हैं, जबकि आपकी यूज़ इतना नहीं है लेकिन आपका डाटा 2 GB 1 GB डाटा विद इन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि विंडो अपडेट होने ऑन जब होगी तो उसके कारण ही आपका डाटा जो है वो फटाफट यूज़ हो जाता है, फटाफट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप देखिए कि आपने अपनी विंडो अपडेट को कैसे ऑफ़ करना है। तो सबसे पहले विंडो 7 है, ये जिसके पास विंडो 7 है उसको हम बता रहे हैं। विंडो 10 वालों को भी बताएंगे कि उसके अंदर भी आपने विंडो अपडेट को कैसे बंद करना है। तो सबसे पहले आपके डेस्कटॉप के ऊपर माई कंप्यूटर होता है। अगर आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कंप्यूटर आ जाएगा। इस कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपने। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपकी कुछ इस तरह से विंडो खुल जाएगी। इस तरह से विंडो खुलने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ विंडो अपडेट लिखा हुआ है, उस विंडो अपडेट पर आपने क्लिक करना है। अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। विंडो अपडेट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आगे खुल जाएगी। उसके बाद आपने ये थर्ड ऑप्शन है चेंज सेटिंग, चेंज सेटिंग पे जाना है। चेंज सेटिंग पे जाके यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो लिखा हुआ है उसके नीचे करना है नेवर चेक फॉर अपडेट, नेवर चेक फॉर अपडेट्स। अगर आपका यहाँ पर इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली है, डाउनलोड अपडेट बट लेट मी चॉइस वट एवर टू इंस्टॉल नाउ है, तो ये कोई भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है नेवर चेक फॉर अपडेट्स नॉट रिकमेंडेड, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना। और नीचे आप देखिए कि 2 चेकबॉक्स हैं, उन दोनों चेकबॉक्स के अंदर आपका किसी तरह का कोई क्लिक नहीं लगाना चाहिए। दोनों क्लिक अगर कहीं पर भी लगा हुआ है तो आप उसको हटा दीजिए। हटाने के बाद उसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका ये जो लैपटॉप है, ये विंडो अपडेट आपकी बंद हो गई, और जो आपका डाटा बिना बात के आपका डाटा यूज़ हो रहा था, विंडो अपडेट में कंज्यूम हो रहा था, वो आपका डाटा कंज्यूम होना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह अब आपको विंडो 10 के बारे में भी बताते हैं। और विंडो 10 में भी सीधा ये आप देखिए, इसके अंदर विंडो 10 डली हुई है और स्टार्ट पे क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल में जाना है सबसे पहले। विंडो 10 का बता रहे हैं आपको, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है। और कंट्रोल पैनल खोलने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना है। इसका थोड़ा विंडो जो अपडेट है उसको ऑफ करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्विसेज लिखा होगा, सर्विसेज ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज पे जाना है। और एक मिनट, सर्विसेज खोलना आपने। और ये देखिए हमारी ये सर्विसेज जब ओपन होंगी तो इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी, और इसके अंदर आपने ये सारी सर्विसेज खुल गई हैं विंडो की। इसके अंदर आपने विंडो अपडेट या नीचे जाना पड़ेगा। आप कीबोर्ड का W भी प्रेस, किसी भी एक को सिलेक्ट करके कीबोर्ड का W प्रेस कर सकते हैं। और ये देखिए ये आ गया विंडो अपडेट। तो ये विंडो अपडेट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है
स्टार्टअप टाइप्स, मैनुअल, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपने डिसेबल कर देना है। और अगर यहाँ पे सर्विसेज स्टेटस लिखा हुआ है रनिंग, स्टार्ट या स्टॉप, तो आपने स्टॉप कर देना है। इस तरह से देखिए आपकी ये सर्विसेज स्टॉप हो रही हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिसेबल हो गया। और ये देखिए विंडो अपडेट प्रॉपर्टीज़, लोकल कंप्यूटर स्टेटस टाइप डिसेबल, और यहाँ पर सर्विस स्टेटस के आगे स्टॉप लिखा आ गया है। अब आप अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने विंडो 10 और विंडो 7 दोनों के अंदर विंडो अपडेट ऑफ कर अपने जितना भी इंटरनेट का डाटा है उसको अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की और भी कई वीडियो के साथ आगे भी आते रहेंगे। नमस्कार।